हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। अभी हम दानांग सिटी से थोड़ा दूर होयान करके एक जगह आए हुए हैं जो कि एक गांव टाइप का है। यहाँ पे नाइट लाइफ का मतलब शाम का टाइम में लाइटिंग शो वगैरह बहुत होता है। ये सब देखने के लिए हम लोग आए हैं। ये भी बहुत अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट है होयान। तो अभी जस्ट हम होयान पहुँचे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक विलेज। बेसिकली ये जो होयान है, यहाँ वियतनामी कल्चर को ये लोग प्रदर्शन करते हैं। वियतनामी जो रूरल एरिया है उसका जो क्या कल्चर वगैरह है, क्या नहीं है, यही सब के लिए ही है। जो कि सेंट्रल वियतनाम में हम लोग अभी हैं, जो कि दानांग शहर से थोड़ा दूर में होयान करके एक जगह का नाम। तो अभी हम चलते हैं वहाँ। ये जस्ट ऑन द वे ही है। फ्रेंड्स, ये होयान का जो मार्केट है ये देखने में छोटा सा है, लेकिन यहाँ ख़रीदने के लिए बहुत कुछ ही है और अच्छे क्वालिटी का भी है। आप देख के कुछ अगर ख़रीदना भी हो तो ख़रीद सकते हैं। होयान में लेदर गुड्स का मार्केट ज़्यादा है, लेकिन ये टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से यहाँ दाम थोड़ा रिजनेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है और बार्गेनिंग भी बहुत ही जम के हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। बी केयरफुल दोस्तों, यहाँ अगर कुछ ख़रीदना है तो बहुत ही केयरफुल रह के आपको काम करना पड़ेगा। होयान का ये मार्केट बहुत ही कलरफुल मार्केट है, जो कि छोटा छोटे शॉप में आपको गिफ्ट आइटम वगैरह ये सब मिलेंगे। तो शॉप वगैरह बहुत ही कलरफुल है, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग, मैं और एक बार बता देता हूँ, बार्गेनिंग एकदम मस्त है। We'll be right back.
पे ये बोट वगैरह है और चारों तरफ लाइट ही लाइट, ये तो बहुत ही अच्छा, ये एम्बियंस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अगर आप दानांग आए तो होलान जरूर आए, यहाँ पे ये मेरा मस्ट रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसे सिटी ऑफ लाइट भी बोला जाता है। ये शाम का टाइम में आइएगा तभी अच्छा लगेगा, ये दिन में उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए हम लोग स्पेशली यहाँ शाम को आए हैं। एकदम चारों तरफ लाइट ही लाइट, एकदम जैसे कैमरा तो कैप्चर करेगा लेकिन कैमरा कितना कैप्चर करेगा आप खुद देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। ये एम्बियंस तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही एटमॉस्फेयर यहाँ एकदम लाजवाब है। फ्रेंड्स आप ये होयान आएंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे फॉरेनर्स, यहाँ आपको इंडियन कम ही मिलेंगे, यहाँ फॉरेनर्स ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ होयान पे एक नाइट मार्केट भी है, जैसे हमने हनोई में देखा, आपका दानांग में देखा, सेम एज लाइक यहाँ पे भी एक नाइट मार्केट है। तो यहाँ से आप नाइट मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं गिफ्ट वगैरह अगर लेना हो तो, लेकिन यहाँ पे भी बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो बार्गेनिंग का तो ध्यान रखिएगा। और ये जो नाइट मार्केट है
यहाँ कोई सैटरडे संडे वाला नहीं है, एक डेली यहाँ एक नाइट मार्केट ये है, लेकिन अभी पीक टाइम है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप हमारे पीछे भी देखेंगे तो सामने बहुत ही भीड़ है, तो हम थोड़ा सा जितना कवर कर सकते हैं थोड़ा सा कवर करेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। वियतनाम का आप जिस पार्ट में भी जाओगे आपको नाइट मार्केट वहाँ ज़रूर मिलेगा। नाइट मार्केट आपका यहाँ बहुत पॉपुलर है, और ये लोग जो नाइट मार्केट जो लगाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम प्रिपरेशन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से लगाते हैं। ये बहुत ही लंबा मार्केट है। आज हम अपना होयान का वीडियो ही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी हम वियतनाम में ही हैं और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए होयान से बाय बाय।